नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नियोजन नीति को लेकर 10 अप्रैल को हम लोग झारखंड बंद करने वाले हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकॉन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपको आने वाले जितने भी नई नई भर्तियाँ हैं सभी की हर पल की जानकारियाँ आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि नियोजन नीति के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठनों ने 10 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा की है। तो दोस्तों, 10 अप्रैल को हम लोग पूरे झारखंड को बंद रखेंगे, और उससे पहले जो है 8 अप्रैल को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। ठीक है, तो 8 अप्रैल को हम लोग सीएम आवास का घेराव करेंगे। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं भी किसी तरह से पूरे आंदोलन में आपका हिंसक वाली काम कहीं भी नहीं होने चाहिए। एकदम अहिंसक तरीके से हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे, भी किसी तरह से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आंदोलन को एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को सफल बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आपका जो है आगे आपका जो हम लोग को करना है, देखिए इसमें आपको जो है 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव और 10 अप्रैल को झारखंड बंद जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग करेंगे। उसके बाद आंदोलन में जो है गैर जिम्मेदारी बयान, जो मन सो बयान दे देते हैं, ठीक है, वो सबसे बचना है। उसके बाद अन्य गतिविधियां करने वाले असामाजिक तत्वों को बाहर किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग को जो है आंदोलन को सफल बनाना है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोगों को जब मांगे हैं, वो मांगे हम लोगों का क्या क्या होना चाहिए। देखिए इसमें जो है हम लोग को जो है 60-40 नियोजन नीति को वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू किया जाए, ये आपका पहला मांग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है ओबीसी वर्गों के साथ न्याय करते हुए जनसंख्या अनुपात में आरक्षण रोस्टर जारी किया जाए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जो है जिले में है जो कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, तो उसके लिए हम लोग विरोध करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है प्रतियोगिता परीक्षा फॉर्म भरते समय जो है स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या भरना अनिवार्य किया जाए, यह भी मांग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा जो है वो आपका अनिवार्य किया जाए। तो ये सभी मांग हम लोग का जो है आंदोलन में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आंदोलन को पूरी तरह से एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को आंदोलन को सफल बनाना है, ताकि आंदोलन पूरी तरह से सफल हो सके, कहीं भी किसी तरह से कोई हिंसा नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आंदोलन को लेकर सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है आंदोलन में भाग ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आने वाले सभी भर्तियों की हर पल की जानकारियां आपको मिलते रहे।